हाँ जी मनोज जी, कहाँ से आए हैं, क्या प्रॉब्लम था, हाउ इट स्टार्टेड, व्हाट ऑल यू हैव डन? सर दो आई बिलोंग टू दिल्ली, बट मैं ऐसी जगह पोस्टिंग था जहाँ पे मुझे इंडिया में अलग अलग जगह रहना पड़ता था। सो मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हुई जब मैं वेस्ट बंगाल के एक स्टेट में, एक सिटी में रह रहा था ऑलमोस्ट 2 साल पहले। एंड वहाँ फिर मुझे IND करके एक छोटा सा सर्जरी किया गया, ये बोल के कि विद इन नो टाइम ये ठीक हो जाएगा। 2 महीने बाद मुझे वो प्रॉब्लम रिकर हो गई एंड अगेन मुझे ऊजिंग शुरू हो गई, पेन शुरू हो गया, डिस्कम्फर्ट शुरू हो गया। उसके बाद जब मैंने पुराने ही डॉक्टर को कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला कि आपको आगे किसी और बेटर डॉक्टर या बेटर स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। देन मैं अपने रेफरेंस से एक ऑलमोस्ट 8 महीने बाद एम्स पहुंचा। लकीली एम्स में भी जो मेरा प्रोसीजर हुआ वो ठीक हुआ, बट एज लक वुड हैव इट आई वॉज स्टिल नॉट ओवर विद इट। 2.5 महीने बाद भी प्रॉब्लम वापस आ गई। इन बिटवीन जब मैं एम्स गया था तब मैं आपसे पहली बार आके मिला था एंड आई थॉट, क्योंकि आपने मुझे बताया था कि 5 से 7 प्रोसीजर लगेंगे तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे जल्दी राहत मिल जाए और मैं एम्स पहुंच गया। अब मुझे लगता है कि वो मेरी बड़ी गलती थी इस इशू को लेके। समटाइम डिजीज इज कॉम्प्लिकेटेड, हमारे चाहने से वो सब चीज़ें नहीं होती। शॉर्टकट्स कभी कभी काम करती हैं बट आमतौर पर नहीं करती। तो मेरे केस में वही हुआ सर। फाइनली जब मुझे एम्स से भी सक्सेस नहीं मिला देन आई हैड टू फॉल बैक टू यू एज अ स्पेशलिस्ट सर। एंड येस डेफिनेटली व्हेन आई केम बैक टू यू आफ्टर ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स आपने मुझे बताया कि मैंने आपको 5-6 महीने पहले भी बताया था एंड द प्रोसीजर विल रिमेन सेम, मे बी दी इट विल बी लॉन्गेटेड बट द प्रोसीजर विल रिमेन सेम। सो आई स्टार्टेड माई जर्नी विद अंडर योर एबल गाइडेंस विद योर एबल हीलिंग एंड मेरी जर्नी बहुत अच्छी और कम्फर्टेबल रही। डेफिनेटली हर एक सर्जरी के कुछ आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं जो कि 1 या 2 दिन या 3 दिन चलते हैं। तो मुझे फर्स्ट में तो टचवुड कुछ भी पता नहीं चला, सेकेंड में थोड़े इश्यूज आए, थर्ड में थोड़े से और इश्यूज आए, बट जैसे ही थर्ड खत्म होने के बाद हम बाकी स्टेप प्रोसीजर्स में पहुंचे आई वॉज सो कम्फर्टेबल, सो कॉन्फिडेंट। डेफिनेटली मेरी लाइफ किसी भी सर्जरी के 2 दिन के बाद कुछ नहीं रुकी। विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स, 48 आवर्स आई वॉज एबल टू ज्वाइन बैक माई ऑफिस, आई वॉज एबल टू डू माई रूटीन विद सम काइंड ऑफ बेसिक रिस्ट्रिक्शन विच ऑब्वियसली वर देयर। काफी हेक्टिक शेड्यूल है आपका, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी भी डिमांड करता है। हाँ सर, तो आप सब कर पा रहे थे? मैं सब कुछ कर पा रहा था सर। रादर फोर्थ के बाद, थर्ड के बाद तो मैंने अपना नॉर्मल वॉकिंग शुरू कर दी और थोड़ा थोड़ा रनिंग शुरू करी। बीच में क्योंकि यूजिंग हुई तो कभी वॉकिंग, कभी रनिंग, कभी साइकिलिंग, बट थर्ड के बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ एंड एज नाउ आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू सर। आई रियली 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 थैंक यू स्पेसिफिकली एंड योर एंटायर टीम कि सिर्फ आपकी और आपकी टीम की वजह से मैं आज यहाँ पहुंच पाया। 2 साल के स्ट्रगल के बाद कि मैं कह सकता हूँ कि सर थैंक यू वेरी मच, जस्ट बिकॉज ऑफ यू मैं आज पूरी तरह क्योर्ड हूँ इससे एंड आई कैन लिव माई नॉर्मल लाइफ ऑफ बीइंग अ ह्यूमन सर। थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सो वेरी मच सर। ग्रेट। बीच में जॉब से रिलेटेड इवन आपका वो भी था, सब कुछ वो अच्छे से हो पाया, इवन फिजिकल भी हुए होंगे आई थिंक। हाँ सर, मेरा बीच में मेडिकल भी आया जो कि मेरे जॉब की रिक्वायरमेंट है, वो भी कंप्लीट हो पाई। मेरे जॉब में ट्रैवलिंग बहुत है, मैं ट्रैवलिंग कर पाया इनिशियली यस, क्योंकि हल्की बॉल की यूजिंग होती थी तो पैड यूज करना पड़ता था, बट उसको अगर मैं माइनर इग्नोर कर दूं क्योंकि ऑब्वियसली वो पार्ट ऑफ द प्रोसीजर था, तो थर्ड या फोर्थ के बाद तो मेरा वो भी धीरे 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 कम होता रहा, नंबर ऑफ डेज कम होते रहे। एंड जैसे मैंने पहले ही बताया कि विद इन 24 आवर्स आपके यहाँ रहने के बाद, नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद मैं हर बार अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेता था। तो आप भी बहुत स्ट्रांग हो इसलिए आप कर पा रहे हो, कुछ लोग नहीं भी कर पाते, बट हाँ आइडली मैं बोलता हूँ आपको करना चाहिए। सम आर एबल टू डू इट, सम आर नॉट एबल टू डू इट, बट आइडली 2 से 3 दिन बाद यू कैन रिज्यूम योर शेड्यूल एंड द वे योर फिजिकल एक्टिविटी, आप सोचो कि आपकी तो मतलब इतनी फिजिकल एक्टिविटी है कि भागना दौड़ना बिल्कुल और बहुत जरूरी है आपकी, वो सब आप कर पाए। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट बीच-बीच में नेगेटिव ख्याल आते थे, हाउ यू डील दैट? नहीं सर, नेगेटिव ख्याल तो नहीं आते थे, बट हाँ वो जो जैसा मैंने बताया कि 1-8 दिन कभी कभी पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, तो वो पेन बेयर करने की मतलब बॉडी लिमिट या फिर मेंटली एबिलिटी में से ही थोड़ा सा बस रिस्ट्रिक्शन रहा, क्योंकि अदरवाइज मेडिकल नेगेटिव ख्याल तो कभी नहीं आए। बस हाँ यही लगा कि जैसे आपने शुरू में बताया था 5 या 6 या 7 या 8, तो आई वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर कि शायद ये लास्ट हो कि ये लास्ट हो, उन 2 लास्ट में हम सेकंड लास्ट और लास्ट तक पहुंच पाए, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव तो नहीं था बट वो थोड़ा सा वो लगा मुझे। कितनी एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कितने? सर आपने तो टचवुड 8 बोली थी, मैं 5 में कंप्लीट हो गया, मैं 4th में शायद सोच रहा था कि अभी खत्म हो जाएगा, थिंकिंग की चलते रहे, बट वो थोड़ा टाइटनेस था जिसके लिए करना पड़ा। तो बट तब भी सर रिकवरी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द प्रोसीजर, थोड़ा सा लंबा टाइम लगा प्रोसेस, ये पूरा का पूरा हमने
रिकंस्ट्रक्ट करते हुए आना होता है। अगर हम ऊपर से ही उसको हील कर दें और अंदर रह जाए तो वो बार बार आता ही रहेगा। सो वी हैव टू गिव इट सफिशिएंट टाइम। उतनी रिस्पेक्ट अगर हम उसको नहीं देंगे तो वो हमें बहुत तंग करेगा। हम उसको ग्रेजुअली ही अंदर से करते करते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच सर। जस्ट बिकॉज ऑफ यू सर, लाइक माई एंटायर फैमिली इज सो थैंकफुल एंड सो ग्रेटफुल सर। एंड मतलब आई मस्ट टेल यू सर, मतलब मैं आपको नहीं जानता था। मैंने डॉक्टर आशीष भेनोद के बारे में, द्वारका के सेंटर के बारे में गूगल से पढ़ा था मैंने, क्योंकि मैं द्वारका में रहता हूँ तो मुझे लगा मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, बट पता चला वहाँ से आप यहाँ शिफ्ट हो गए। बट कम जा पाते हैं। बट आई एम मतलब हूएवर सीज दिस वीडियो, आई एम स्ट्रांगली रिकमेंडिंग इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू व्हाट आई हैव, व्हाट एवर स्पेशलिस्ट, व्हाट एवर फिस्टुला और एनीथिंग रिलेटेड टू दिस फेशियल फिस्टुला, then Dr. Ashish sir is the best person, at least if I can say so with my experience, and his team is also too good. Thank you very much sir. Thank you so much. आपका बहुत ज़्यादा demanding job रहता है, इसलिए मैं आपका number नहीं लूँगा, नहीं तो आपको फिर आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, thank you sir. Thank you so much. Bye bye.